गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे हम सबको, हम लोग उठ चुके हैं और आज हमारा थर्ड डे था एनिवर्सरी और हम लोग अभी रेडी कर जाने के लिए, बिकॉज बहुत घूम लिया और अभी निकले ही हैं। बस सुबह सुबह के टाइम में बैठे ही हैं गाड़ी में, मम्मी और ऊपर से आ रहे हैं, हम दोनों आ गए, गाड़ी गुड़ी लगेज वगैरह रखे, तो रास्ते में भी मिलते हैं आपसे और रास्ते में खाना वाना खाएंगे ना, खाना वाना खाते हैं चलते हैं। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 9 और अब हम अमृतसर को बाय बाय बोल के जा रहे हैं। गुड बाय अमृतसर। और अभी ये दिख भी नहीं रहा है, धुंद पई हुई है, धुंद। माता रानी नु पूछ लो भी किवें दी लग्या तुहानू, मम्मा जी तो वधिया लग्या, बहुत वधिया। पिछे वालों कैसा लगा ट्रिप? बहुत वधिया लग्या, मजा आ गया, नींद हो गई थी पूरी। ये हरकत हमारे साथ ही क्यों होती है? मैं पूछ रही थी, इधर से दिखा एक बार, 70 रास्ते जा रहे हैं, अभी कौन से बचाऊ, शॉर्ट लेने में लगी हुई है। ये नहीं तो ऐसे ऊ करके सीधा सीधा बोल देते हैं, मैं शॉर्ट नहीं खराब होना चाहती इसलिए मैंने बोला। ओके बैरे हो गए हम, यही से आए थे दीदी, अब यही से जाना हमने, एक ही रास्ता है सीधा लंबा लंबा है यहाँ पे ना, देखो इधर उधर कितना सुंदर लोकेशन है ब्रो, आप रील्स बनाइए इधर। इधर कल भी परसों भी तेन आखिया से इधर रुकना मन है, इधर रुकना मन है, कोई गल रील तो बना सकते हैं, चुप करके बनाई जाओ, देख लिया। चलिएगा जी बंगा नवा शहर, चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, चंडीगढ़ 180 रुपए लगते हैं, पता नहीं रीजनेबल जा रेट दस। मम्मी कितना होना चाहिए इतना, पता कितने किलोमीटर है नकु तेरे अकॉर्डिंग, होगी नींद पूरी? गुड मॉर्निंग, तेरे पता पीछे अपना चलान घट गया, कुत्ता पे तू स्पीड दा कोई असर नहीं, डीट आदमी जो मैं स्पीड नहीं सी फिर भी चलान काटता, गलत गल है, पर्ची भी लाके फिर दी है, कितने गई हो पर्ची? पर्ची अब खानी है नहीं रहने तो भाई 3 घंटे के सफर के बाद जनता रुकी अभी खाना खाने, और खाना खाने हम रुके हैं साहिब का ढाबा। कोई ढाबा नहीं आया ना, इतना लंबा सफर, तो आंटी ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी खाने की, है ना आंटी? मम्मी ने करेजा के अपना रखा, मुश्किल ढाबा आएगा, करेजा का बना लेंगे, वो हमारे महाराज जी का है, वो अजे निकले ही नहीं, 3 घंटे हो गए। बाल सेट करेगा फिर आएगा वो। हेलो पब्लिक, की मम्मा ने दसो मम्मी की खाना है? कुछ भी मंगा लो, इधर आलू प्याज का पराठा, तुसी वही क्या आलू प्याज पराठा, फिर आ जा ले जा जाके ऑर्डर दे दे फटाफट, मम्मी तेरा मुंह बोतल दे ओले हो गया, बोतल दे ओले हो गया। अच्छा मैं आपकी बोतल लगा हो गया, बोतल लगा हो गया, बोतल के सामने मैं कान दिख हुआ। हां मैडम काट रही है खाना खा के चक्कर, और क्या क्या बोल के ये क्या ऑर्डर करके आई है? बेसन वाली बर्फियाँ आप लोग लेके आए थे ना, ये वही ढाबा है, उसी ने हम आए थे ना, तो यहाँ से लेके गए थे, तभी मैंने बोला इनकी टेस्टी होती है, तभी हम लोगों ने, तेरा कप दिखाई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, पीने लगे चाय, मम्मी और अंदर अभी परांठे शक्रिया, हम धूप में खड़े हो गए, आजो आजो सवारियाँ सवारियाँ आजो आजो। तो चाय और खाना खुना खाने के बाद, चाय पीने के बाद हम लोग अपनी सीट बेल्ट बांध चुके हैं, निकलते हैं फिर। एक्चुअली अभी हम सीधा ब्रेक लगाएंगे घर जाके, है ना, पहले नहीं रुकना, मिलते हैं फिर आपको ब्रेक के बाद। पापड़ लेने आपने? नहीं लेने पापड़ लेने, थके हुए और नहीं खाने। तो भैया 1:30 बज गए हैं, हम पहुंचे हैं कहाँ पे? मोहाली। मोहाली वाले हो किदा, देख रहे पीछे वालों की शक्ल एक बार। मम्मी मम्मी जमा थक गई है ना, चाय
नामधारी ने सारे ना नामधारी चाह नहीं पींदी है चाह टा सिर्फ और दुध मिलता है और मम्मी को पीनी थी चाय तो मम्मी को वहां पे कुछ मिला नहीं। ये घर से ही पत्ती लेके आई थी, पता था कि वहां बनवा लूंगी पर वहां कोई सिस्टम नहीं था, इसने ऐसे किया पत्ती खा के ऐसे और ऊपर से पक्का मार के ऊपर से दूध पी ले। सस्ता नशा, पत्ती लगा रख के दूध डाल के आग लगा दो, मुंह में आग लगा ले तो चाह बन जाए। दस मुंह कितो चाह, अंदर तत्ता दो अंदर ही चाह बन गई। चाह बन गई गर्म दूध से ना पानी में फिर पहले फिर चीनी खा लेते पानी तो चीनी तो है दूध में अदरक अदरक सारा कुछ अदरक ज्यादा नशा होता है। तो हम फाइनली घर पहुंच गए, घर पहुंचते ही हमारे डोलपो और शाहू पारे भाई आपको स्वागत देख लीजिए कैसे हो पड़ा हमारा बच्चा मोटू से सुबह सुबह उसी को पीट रहे इसको कि नहीं पीट रहे आप? वो नहीं ऐसे करता, वो देख वो आ जाएगा मेरे पास भी और ये मेरे को बोलो परे हट तू, मैं अपने पापा को देखना बोलो परे जा, बड़ा बदतमीज होता जा रहा है। तो उधर मम्मी अपने बैग बुक चुकी कर दी। तुसी जा रहे हो? हां बेटा तुसी ना जाओ ना जाओ, बहुत दिन हो गए हम तेरे नाल बहुत दिन। तुसी आया जदों में पण चलिए फिर आखंड ही कर लो, थोड़ा सा सलोन का हो जाता ना सीजन कट जाएगा फिर क्या बात, बस नहीं आ रही तुम्हारी? पिछले डेढ़ घंटे से खड़े मिट्टी पूरी खाली थी स्कूल की, बस नहीं आई। सारा पाउडर फेस पे लग गया एकदम अच्छे से, है ना? खोल के खड़े डिग्गी भी कोई नहीं आगे बढ़ते, डिग्गी की छां करके खड़े, डिग्गी की छां करके खड़े। फाइनली चढ़ा दिया आंटी उनको बस में। रबी क्या हो गया आप सब तक है ऐसे? कोई ना, आप फिर जाए होंगे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यू सीम्स टू बी वेरी मच टायर्ड ब्रो। टायर्ड तो नहीं हूँ, बस मम्मी के ये तो थोड़े से अपसेट हो गए, आपने देखा ही, हम मम्मी को चढ़ा के आ गए थे, हमने सोचा आप मॉर्निंग विश कर दें तो वी आर रेडी फॉर ऑफिस। आपको पता ही एज यूजुअल जाते हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या क्या होना हम करेंगे और जो भी होगा आपको दिखाएंगे। साथ के साथ आप बने रहिएगा, प्लीज दूसरा वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, जिन्होंने नहीं कर रखा। हे गार्डन सलोन ब्लॉग के नाम से है वो, और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दूंगी। प्लीज जाके वो भी देखना, क्योंकि उसमें जितना भी काम रहता है सलोन का वो सब कुछ उसी में ही रहता है। चले तो अभी हम चलते हैं ऑफिस के लिए, जाना अपने लूना पे। चलो गाड़ी रेडी चलो। तो हमारी लूना हो गई है बिल्कुल तैयार, हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। तो हम आज इस पे बैठ के जाएंगे ऑफिस, क्रॉस लेग नहीं बैठूंगी बहन। क्यों सिंगल साइड बैठोगे? ये दिल का रिश्ता होता है, इतने सालों बाद मिले पर हमारा वो कनेक्शन जो अंदर का वो अभी तक नहीं टूटा। फैशन का कनेक्शन से आपको रील बनानी चाहिए, नियॉन बॉडीज।
अरे बाय चांस है, वैसे मैं बात कर रही थी कि राखी के पास भी ऐसा सा कुछ उसने लिया था क्योंकि मैं उस दिन साथ गई थी, बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि आ जाएगी, वैसे इसने आने ही नहीं आज सकते हैं बस आप तो भाई देख सकते हो आप दोनों बेस्ट बडीज को एकदम मैचिंग मैचिंग ऐड होना चाहिए था, मैं पूरी बदलने वाली हूँ है राखी दीदी, मैं पूरी बदलने वाली हूँ। हम मतलब पिछले 12-13 साल पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनते थे, ऐसे ही रहते थे, अब भी ऐसे ही रहते हैं, और चॉइस हम तब सिरसा शांत मारते थे, एक वो अपना जब भी हम ऐसे थे, आज भी हम ऐसे ही है। तो आज दीदी का ऑफिशियल फर्स्ट डे है, वेलकम ब्रो, इसका फर्स्ट डे है, तो हम पूरी गार्डन हेयर गार्डन फैमिली की ओर से तेरा सच में अपने दिल से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। ये रोज लेके आए हैं, ये वैसे हमें लेने चाहिए थे तेरे को, हाँ है ना, ये लेके आई है रोज, है ना, सबको दिए तूने कुछ कुछ, मेन कौन है बता दो, मेरे को दे चुके हैं वो पहले। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, हमारी टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे ऑफिशियल राखी हमारे साथ ही काम करेंगे, और कितनी प्यारी लड़की, इसको देखने के लिए एक बार जरूर विजिट करना है ना, मुझे भी चाहिए इतने लंबे। ये कौन सा ऑयल यूज कर रखा है मैम आपने बालों में, बोलो, नेचुरल ऑयल बोलते हैं इसको, और आप इसमें मोहतरमा के ढाई बाल गिन सकते, सर गिनो, गिन लेंगे आप मिलके, चार से ढाई हो गए, देख रहे हो, फटाफट लगवा लो इससे पहले कि कोई। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आपको एक चीज दिखाने वाले हैं, ये दो बाल जो इसके है ना, देख सकते हैं आप, सब बोलते हैं किस वक्त के बाल, जल्दी जल्दी बोल दो इससे पहले कि कोई ये कहते, एक ही तो बाल है उसे कोई यहाँ कभी। और फिर हम अब इनका दिखाएंगे, अब करने जा रहे हैं हम इनके एक्सटेंशन, सर आप बाल दिखा दीजिए प्लीज अमित जी, ये आप इतने अच्छे बाल देख सकते हो, इतने प्यारे वाले, और ये बाल अभी स्वाति के लग जाएंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद का लुक फिर आपको दिखाएंगे कि ये जो भी गंजापन सा दिख रहा है ना इसका, ये इतना इतना, और देखना फिर उसके बाद बड़ी प्यारी लगेगी स्वाति सच में। थैंक यू कर पहले मेरे को नहीं तो पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव ही होएगा, बट कलर भी करना है, नहीं कलर नहीं करना क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके नेचुरल हेयर है ना, नेचुरल हेयर लगाएंगे आप पे, नेचुरल कलर पे सेम मैच हो जाए, हो रहा है कलर, 8 नहीं 100 लगाएंगे हम, 100 बाल। तो भाई एक मिनट रुक जा, तेरे को बोलने से पहले मैं बनवाती हूँ तेरे को, सब लोगों ने इतने कमेंट किए कि प्लीज स्वाति के बालों का कुछ करो, स्वाति के बालों का कुछ करो, तो अभी हम आपको एक डेमो अच्छा सा चीज दिखाते हैं। वाओ, तो भाई आप देख लो मेरे 4 बालों से ये 8-10-12 सीरियसली स्वाति फ्रंट पे आगे करके मुंह कर, अब दिखा आगे, लुक चेंज हो गई है मेरी सी, आज इसने ब्लैक पहना हुआ था, विजिबल कम हो रहे हैं, नहीं पर आप ऐसे देख सकते हो, अदरवाइज मेरे टोटल, तो इससे पहले दिखाया है मैंने वो भी बाल तेरे दिखाया, और लेंथ भी है क्योंकि जितने बालों पे जितनी अच्छी लगी वही लगाई है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कर दिया, तो हमने ये 15 इंच लेंथ लगाई है इसके बालों में, और मेरे को लगता है 70 स्ट्रैंड लगे हैं, बट इतना अच्छा वॉल्यूम है यार, बड़ी प्यारी लग रही है, एक बार उधर को घूम के फुल बालों के साथ दीदी बोलने का दिल कर रहा है कि पहले मेरे बाल बहुत पतले हुआ करते थे, फिर मैं हेयर गार्डन आई, और फिर उसके बाद वहाँ की जड़ी बूटियों ने देख लीजिए आप क्या कमाल किया। तो भाई हेयर एक्सटेंशन, और एक बार नजदीक आ मैं दिखाती हूँ एक्सटेंशन तेरे, अरे ये भी विजिबल होने कौन से इजी है, दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, ऐसे ऐसे ही दिखाती हूँ मैं, आई विल शो यू, एक सेकंड रुक जाइए आप, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये इसके एक्सटेंशन लगे हैं, बिल्कुल विजिबल नहीं है, और इतने अच्छे से मर्ज हुए हैं ना ये, और अब इसके ये बाल आप देख सकते हो लड़की के, अब ऐसे पोनी भी करेगी ना ऐसे करके, पहले आप मेरे को डांटते हो, मैं बोलती क्या करती है ये गंदी पोनी है वो, अब देखो अब मैं कर सकती हूँ पोनी, बिल्कुल बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत
बहुत प्यारी लग रही है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हेयर एक्सटेंशन का, जब मेरे बालों को कुछ हो सकता है ना भाई तो सब। मैं इसको कुछ बोलती थी ना, इनका कुछ कर, नहीं दीदी इनका कुछ नहीं हो सकता, सॉरी मैं इनका कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई, है ही ऐसे, चिढ़ती थी आगे से। और अब देख लो हो गए ना, प्यारी लग रही है। तो आज ये बालों के साथ बहुत खुश है, आज मैं पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। कितने प्यारे लग रहे हैं सच में, बिल्कुल एन मर्जू है कोई। और तेरा तो कोई सबसे बड़ी बात, नेचुरल हेयर थे तो नेचुरल लगे हैं, तो कलर वलर किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, वो एज इट इज रहे। देखा फायदा नेचुरल कलर का, नेचुरल कलर का भी, और चलो वो नहीं बोलूंगी मैं, हल्के बालों का भी। क्या लेके गई है तू, क्या लेके जा रही है? तो यहाँ भी बंद करना उसको, एंड्रॉइड चलाना नहीं आता। तो यहाँ पे भी हमारे फ्रूट्स आ गए हैं, तो हमारी है आज से फास्टिंग शुरू। और ये फास्टिंग, ये मत पूछना क्यों करते हो, थोड़ा सा पतले भी हो जाएंगे, थोड़ा भगवान भी खुश, भगवान भी खुश हो जाएंगे। तो हम कर रहे हैं 7 दिन की फास्टिंग, 7 दिन का प्लान किया है, जाएंगे कब तक ये भगवान जी जाने, पहले कुछ नहीं बोलना। हाँ। अभी हमने 7 दिन का प्लान किया, तो हमने फ्रूट्स घुमाए, अपने फ्रूट्स काटते हैं और वो खाते हैं। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी तक हमने एक सिंगल, हाँ जी बच्चे, वो ठंडे हैं बेटा, वो निकाल के पहले बार रखेंगे तो अभी भूख लगी, तो अभी ये वाले खा लेते हैं। ठीक है, चक्कू दे दो आप, हमें लाइक दे दो और प्लेट दे दो, फ्रूट काट लेते हैं। तो भैया यहाँ पे सेब कट चुका है और केला काटा जा रहा है, केले कभी काट के खाते हैं, सारे मिक्स करके, सारे मिक्स करके कलरफुल, नहीं तो खाया नहीं जाता कलरफुल, फिर तो अपन एक ही बनाना लगा दो बस हो गया। वो देख रहा है कि मैम कितने उससे फटाफट निपटा रहे हैं, भाई वो बहुत काम करते हैं। वो क्या कह रहा है, देखा था हाँ, नाइस, मैंने ब्राइड को काट के दिया कलरफुल फ्रूट, वो जल्दी में थी ना, हाँ जी, उसको भी काट के लिए। अभी हमारे फ्रूट्स कट चुके हैं और यहाँ पे खाया जा रहा है, पति देव फ्रूट खा लो, जा रहे हैं बदल जाते हैं यार, तो करते रोटी तो मस्ती है, फिर खाना ही छोड़ दो, जा रहे बदल जा लो, इससे तो अच्छा मिर्च नहीं खाया जाता, खा लो थोड़ा तो खा लो, एक बाइट तो ले लो, अच्छा कीवी की ले लो, मैं खिला रही हूँ ना। हाउ इज इट, टेस्ट नहीं था, तू खा ले बहन, मैं तो खाऊंगी, तू ना खा, क्या चल रहा है, ये चल रही है इनकी लाडियां फाडियां, क्या बात है, नया बेड मिल गया इनको आज, इनको ये कि ये नीचे सो रही हैं तो हम भी, हाँ क्या बात है, इसी ऊपर तो चढ़ा नहीं जाता, यहाँ इजी है इसके लिए, सारा रात ऐसे ही करता रहेगा, देखना कौन भी नहीं देगा। आई डोल की